हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और करवा चौथ की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, और लेकिन मैं, हाँ, मुझे इतना पता है कि एक दिन के अंदर मैं सारी तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पर है ना, देखिए मैंने इस तरह से सीमेंट का बॉर्डर बनवा दिया है, दीवार से लेकर नीचे तक जो ढलान बोलते हैं ना, उस तरह से। इससे क्या है कि जो दीवार पे पानी आएगा ना, वो सीधा दीवार से लेके लीक नहीं होगा नीचे, वो इस फिसलन के द्वारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको, हमारे यहाँ टेपर बोलते हैं, वो मैंने करवा दिए। और यहाँ चल रहा था प्लास्टर का काम, लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और मिस्त्री आ गया था, तो अब हमने सोचा कि इसको मना क्या करें, जितना काम होगा उतना करवा लेंगे। आयो आयो वरसाद आयो, केटलो बधो वरसाद आयो। तो ऐसे ही जब मैं अपने मायके में थी और बारिश आती थी ना, तो मैं चिल्लाती थी, मम्मी वरसाद आयो वरसाद आयो। तो वही गुजराती भाषा आज भी अचानक से मेरे मुंह पे आ गई और मैं बोलने लगी। और यहाँ पर है ना, हमारे प्लास्टर का काम चल रहा था और इतनी बारिश थी 2-3 दिनों से, लेकिन मैं ऊपर आती नहीं थी और सूट नहीं करती थी। और आज है ना, आप लोग देख ही रहे हो बादल कितने काले काले हो गए, अंधेरा जैसा हो गया था। तो मैंने बोला फटाफट से इसको कर ले। उसके बाद है ना, अभी क्या है कि बादल थे और बारिश नहीं थी, तो मैंने कहा कि आएगी तो सही, क्योंकि इतने काले बादल आप लोग भी सोच सक देख सकते हो कि वीडियो का पूरा कलर ही चेंज हो गया, पूरा अंधेरा जैसा हो गया था और बिजली कड़क रही थी और हमारा चल रहा था यहाँ पे काम। लेकिन शुक्र है कि ना हमारा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, फिर साथ ही साथ ना यहाँ के जो प्लास्टर वाला जो काम था ना, इसको रोक दिया और बाकी के जो छोटे मोटे काम थे वो करवाए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आई थी बाद में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना इतनी, ये जो साइड वाली दीवार है ना, अभी इसका पलस्तर होना बाकी है और उसी को करने वाले थे, लेकिन तब तक भगवान जी भगवान। देखिए मेरे गार्डन की क्या हालत हो गई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं ठीक अभी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मेरे गार्डन की हालत बद से बदतर हो गई। और आज हमारे वहाँ इतनी तेज़ बारिश पड़ी, बहुत तेज़ बारिश पड़ी, इसलिए सब ऊपर से ढक के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है मसाला, अभी देखो सीमेंट का मसाला रखा है ना, वो अभी बन रहा है। और इधर पे हुआ था कल काम, ये हमने डलवाई है लोहे की जो गाटर बोलते हैं ना, लोहे की पट्टी, वो देखिए ऐसी होती है ये, इसमें प्राइमर होगा तब है ना ये अच्छे से सेट होगी, इस तरह से देखो जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, बस उस तरह से। इसके ऊपर से हम ट्रेन निकालने वाले हैं घूमने के लिए, घूमने फिरने जाएंगे। ये पूरा रेलवे ट्रैक रेडी हो रहा है, देखिए आज ही यहाँ पर ये सीमेंट वगैरह भर दी है दोनों साइड, इधर भी उधर भी, और ये आज अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगी। अब इसको हम सेट होने के लिए छोड़ेंगे, फिर इस पर क्या होगा वो आपको आगे चल के पता पड़ेगा। आप बोलोगे दी घर का कबाड़ा बना रहे हो, तो देखिए ये जो कबाड़ा सारा है ना, ये हो जाएगा खाली। ये सब तो मैं बेचने वाली हूँ, सब मैंने बेचने के लिए निकाल रखा है। रखे मैंने सारे अपने पौधे सीढ़ी पे, इस वाली सीढ़ी पे, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था अभी काम इसकी वजह से। और गंदगी तो भैया बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मसाला बना हुआ है और ये देखिए, और ये पूरी खिड़की टूटी हुई है, इसको भी प्लास्टर करा के आज सही करा देंगे टाइम मिला तो। ये सब बंद करा दिया सीलन की वजह से, पूरी छत हो गई थी, पूरी छत हो गई खराब। ही आगे बंदर महाराज, आइए 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 आइए, आपसे ही तो ज्यादा परेशान है, आ जाओ आ जाओ, ये रास्ता आ जा, ले फोन लेगा, ले 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 ले। तो आज हमारे वहां ये काम चल रहा था और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, मैं पूरी बारिश में भीग गई थी, क्योंकि छत ऊपर से ढकनी थी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाऊंगी पूरा तालाब, ये सब तो आपने देख ही लिया गंदगी। ओ फिर से आ गई बारिश, अब मिस्त्री उस तरफ नहीं करना है। देखो सुबह बारिश आई, पूरा तालाब भर गया, हम लोगों ने यहाँ पे मट्टी डाली हमारे घर के नीचे पीछे, पूरा तालाब भर गया। फिर आ गई बारिश और तेज आई है काफी। सुन क्या नाम है पप्पू, इसको ऐसे कर दे पन्नी को, नहीं भी होती तेरी मेहनत खराब, जल्दी कर जल्दी। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं?
हाँ ये इधर बन जाएगा। ना अंधेरा तो बांध दे इधर, अब आएगा तो नीचे बह के आता रहेगा, सीमेंट ही उठा के तसलम भर ले सारा। तो इसी बारिश की वजह से ना हम लोगों ने अपनी छत का काम बहुत जल्दी जल्दी करवाया था, बाकी सारे काम रुकवा के, क्योंकि अगर छत का काम नहीं कराते तो आप सोच सकते हो क्या होता। देख रहे हो ये तुम्हारा तोता है, तोती है, तोता है, तोता है, नीचे तू बोले बोले नहीं वो उड़ जाएगा। मिट्टू का दोस्त आया, मिट्टू क्या बोल के रही है तुम? बेटू ये भी बेटू है, ये बेटू है, ये बेटू है, तुम नहीं हो ये बेटू है, अरे ये बेटू है, बिट्टू है, बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू है, बिट्टू, 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 जला रहा है, वाले वा, तो वो हमारे पड़ोस की भाभी थी, वो अपने पैरट को लेकर आई थी दोस्ती करवाने मिट्टू से, तो काफ़ी अच्छा लगा। उनका पैरट भी बहुत एक्टिव था, हमारे मिट्टू से एक्टिव था। हमारा मिट्टू बहुत शांत स्वभाव का है, और यहाँ पे है ना ये स्टैंड मैंने जो धो दिया था ना, तो ये लगाने के लिए रखा था, और अकेले इसको नहीं लगा पाते क्योंकि इसको तार से और जो प्लास होता है ना उससे इसको फिक्स करना होता है, तो एक जन को पकड़ना होता है तब दूसरा इंसान फिक्स कर सकता है। तो यहाँ से मैं पकड़ी थी स्टैंड को, और है ना जय पीछे से उसको फिक्स कर रहे थे, और हमारे वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि मेरे तो शरीर में दर्द होने लगा, पीठ में, पैरों में। तो आज मैंने स्टॉल ओढ़ के रखी है क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी कल करवा चौथ है और आज हमारे वहाँ पे सुबह कोहरा भी छाया हुआ था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मौसम में कोहरा कब छाता है। लेकिन हमारे वहाँ पे छा गया था बारिश की वजह से, सुबह इतनी ठंड थी कि कोई नहाने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो आप लोगों को मैं इसीलिए स्टॉल ओढ़ के दिख रही हूँ क्योंकि रात के टाइम पे ना ठंड हो जाती है यहाँ पे, और बारिश की वजह से है। बारिश चली जाएगी, धूप खिल जाएगी, तो फिर से ये ठंड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा स्टैंड लग चुका, और जितने भी मेरे बर्तन इधर उधर फैले रहते हैं ना, वो सारे बर्तन मैंने आज धो धो के रख लिए थे, और सारे बर्तनों को अब मैं स्टैंड में लगा दूंगी क्योंकि बर्तन सूख चुके हैं। और स्टैंड की वजह से ही सब कुछ ना हो रहा था, पूरी किचन मेरी फैली फैली दिख रही थी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देख के। और अब ये दूसरे दिन की सुबह है और यहाँ पे हम लोग आए हैं ये सफाई करने के लिए, तो खिड़की का प्लास्टर वगैरह भी अधूरा है, जितना काम हो पाया था उतना हमने करवाया था, और बारिश की वजह से फिर हमने काम ये छुड़वा दिया था। और आज भी बारिश आनी थी क्योंकि हमारे वहाँ पे ना 2 दिन की छुट्टी कर दी थी आगरे में ज़्यादा बारिश की वजह से, लेकिन जब छुट्टी करी तब बारिश आई नहीं, और जब छुट्टी नहीं करी तब बहुत तेज़ बारिश आई। तो मैं और जय अभी लगे हैं अपने इस रूम की सफाई में क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था ये रूम, इसके अंदर इतना मलवा वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने जैसे बोला कि जल्दी से साफ़ करवा दो नहीं तो ये टाइल्स है ना रूम की ये ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं और जय दोनों लग गए फटाफट से अपने रूम की क्लीनिंग में।
तो जितने बर्तन भी पहले पड़े थे ना, वो सारे बर्तनों को मैंने धो के वापस से रख दिया था। सारे बर्तन अच्छे से सूख भी गए तो मैंने उनको फिर से स्टैंड में लगा दिया। और अब देखिए पूरी किचन मेरी कितनी खाली खाली लग रही है, वरना पूरे प्लेटफॉर्म पर बर्तन बर्तन फैले रहते थे हमें। एवरीवन गुड मॉर्निंग। और घर की चल रही है सफाई, ये सारी चीजें घड़ी करके रखी। और घर देखो मेरा पहले से काफी साफ हो गया है, सारी चीजें मेरी व्यवस्थित वहीं की वहीं। मेरा टेडी बेयर कितना गंदा है, लेकिन दो दिन से इतनी बारिश है ना कि उसको तो मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगी। और ये फ्लावर यहाँ पे जय ने ये नए फ्लावर मंगाए, ये भी हैंग कर दिए जो मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे चल रही है अभी ये ना इन ड्रॉवर्स की सफाई, तो ये अभी इनकी सफाई चल रही है। और ये मैंने निकाले हैं आपके भैया के कबट में से वो कपड़े जो कि आपके भैया नहीं पहनते। देखिए पूरा कबट खाली हो गया, ऊपर भी पूरी बास्केट देखिए ये खाली हो गई, ये खाली हो गई, बस दो दो तीन तीन शर्ट पड़ी हुई है उनकी। मैंने क्या किया, इनके जो भी कपड़े हैं ना जो कि वो नहीं पहनते, हालांकि एक भी कपड़ा इसके अंदर फटा हुआ नहीं है, एक भी कपड़ा फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छे कपड़े हैं ये। देखो कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो आपके भैया ने इसमें पहने ही नहीं है। ये पैंट है, एक ये पैंट देखो, ये सिलवा के लाए और ये रखा ही हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये रखा हुआ है। एक दो बार पहना फिर बोले मुझे पसंद नहीं है, मुझे टाइट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे कपड़े उनके रखे हुए हैं, मैंने कहा कि फेंको नहीं, किसी गरीब को दे दो उसका भला होगा, क्योंकि इससे आगे अब ठंड आ रही है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर अब मैं इसको इस दुपट्टे में बांध दूंगी। और आगरे में एक जगह है वहां पर ये कपड़े रखकर आ जाएंगे, तो जिनको भी जरूरत महसूस होगी वो इन कपड़ों को ले लेगा और पहन लेगा। तो क्या है कि भाई दुनिया में बहुत ऐसे गरीब इंसान हैं जिनके पास एक तन ढकने तक के लिए कपड़े नहीं है, वो ले भी नहीं सकते। तो हम इस तरह की चीजों को जो नए हैं पहनने लायक है उनको फेंके नहीं। अब बोलते हैं पोछा बना ले, हालांकि मैं पोछा बना लूंगी, काफी चीजों से मैं इनकी क्लीनिंग कर लूंगी, लेकिन फाड़ने से क्या हो रहा है, कम से कम कोई पहन लेगा, क्योंकि इससे आगे ठंड का सीजन आ रहा है और काफी लोग ठंड की वजह से मर भी जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये कपड़े अच्छे हैं। ये देखो ये टी शर्ट तो आपने भैया को परसों ही ब्लॉग में पहने हुए देखा होगा, भैया ये टी शर्ट पहने थे, मैंने कहा ये भी दे दो, क्योंकि अगर कपड़े किसी को दे रहे हैं हम तो ऐसे कपड़े दो कि उसको वो पहन सके। ये सारे कपड़े आपने भैया को अभी कुछ दिन पहले ही पहने हुए देखे होंगे, ये शर्ट भैया की आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। तो ये थोड़ी पुरानी पुरानी सी हो गई थी, मैंने कहा देना है तो ऐसे दो कि इंसान पहन सके। सो ये सारे कपड़े मैं अभी इस दुपट्टे के अंदर बांध दूंगी और अभी आपके भैया आएंगे और ये सारे कपड़े लेकर जाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करना कि इस तरह अगर अच्छे कपड़े हों तो प्लीज फेंकना नहीं, फाड़ना नहीं, किसी जरूरतमंद को दे देना। तो देखिए मैंने सारे कपड़े इस तरह से इस पोटली के अंदर बांध लिया और ये मेरा न्यू दुपट्टा है, दे देती हूँ, आएगा लौट के तो ठीक, अगर कोई ले लेगा तो कोई बात नहीं है। सो ये मैंने बांध दिए, आपके भैया आएंगे तब इनको दे दूंगी। तो यहाँ पे मेरा मोलू दूध पी रहा था, वैसे तो दूध खत्म हो चुका है, लेकिन है ना थोड़ा सा दूध मोलू ने मिट्टू के लिए बचा दिया है और वो उसमें लगा पड़ा है दूध पीने में। वो मोलू को दूध नहीं पीने देता, जैसे ही मोलू का ग्लास देखता है दौड़ के उसके पास आ जाता है। तो मोलू लास्ट में एक चम्मच जितना दूध है ना मिट्टू के लिए छोड़ देता है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ उन कपड़ों को देने के लिए जय को, क्योंकि वो आगरा जा रहे हैं तो इन कपड़ों को देकर आ जाएंगे, तो किसी ना किसी का भला हो जाएगा। और आप लोग काफ़ी लोग पूछ भी रहते हैं ना कि मैं बच्चों के और जय के कपड़ों से और अपने कपड़ों का क्या करती हूँ, तो मैं ज़रूरतमंद इंसान को कपड़े दे देती हूँ। मैं कभी भी कपड़ों को फाड़ के या फिर उनको वेस्ट नहीं करती। आरू मोलू के कपड़े हमारे अड़ोस पड़ोस में ही काफ़ी गरीब बच्चे हैं, उनको दे देती हूँ, वो पहन लेते हैं। मेरी कुर्तियाँ जो होती हैं अच्छी देने लायक वो भी मैं दे देती हूँ। सो इसी तरह से करके मैं अपना वेस्ट सामान भी निकाल देती हूँ और वो किसी न किसी के काम भी आ जाता है, फेंकने से क्या होता है। और यहाँ पर है ना बारिश वगैरह जा चुकी है, आज था मौसम थोड़ा बारिश वाला, तो थोड़ा सा मैंने बोला कि पाइप का काम ये कर जा, तो अभी है ना हल्का सा मौसम खुल गया था, तो ना अभी यहाँ पर ये पाइप की फिटिंग चल रही है, क्योंकि नाली वगैरह देनी है ऊपर छत के लिए, तो यहाँ पर आज फिटिंग का काम चल रहा है। और यहाँ देखिए मेरा मिट्टू, पता है मेरा मिट्टू क्या शैतानी कर रहा है, ये खिड़की पे बैठा हुआ है और हमारे पानी के पैसे जो रखे रहते हैं ना उनको उनकी गुल्लक में से निकाल निकाल के पूरे घर में फैला रहा है और वो सोच रहा है कि ये कोई खाने की चीज़ है। तो यहाँ कप के अंदर है ना बाबा चिल्लर रख देते हैं थोड़ी बहुत, तो इन कप के अंदर से बार बार सारे पैसे ले जाता है, उनको निकाल निकाल के फेंक देता है। तो मैं उसकी वीडियो शूट कर रही थी, मैंने कहा रुक तेरी वीडियो शूट करती हूँ तो क्या क्या शैतानी कर रहा है।
तो ये है मेरा मिट्टू, देखो मैंने अभी आपके सामने सारे पैसे रखे अंदर और उसने फिर से निकाल लिए। तो आज हमारे मिट्टू के लिए लाइक ज़रूर देना, वो इसी तरह से पूरे घर में ना गंदगी करता हुआ घूमता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।